साईराम, एक धर्म का ही स्थान, हमेशा जपो साईराम। मैं सुनील वालवलकर बोरीवली मुंबई में रहता हूँ। 1993 से मेरे पास घड़ी ठीक करने की दुकान है जो कि साई कृपा से चल रही है। मैंने इस व्यवसाय को काफी छोटे रकम से शुरू किया था। मेरी पत्नी, भाई और मैं, हम सब एकजुट होकर बहुत मेहनत करते हैं और साईं बाबा को हर मिनट याद करते हैं, और इस तरह साईं बाबा की कृपा से हम अपने परिवार के खर्चों के लिए पर्याप्त पैसे कमा लेते हैं। मेरी दुकान में साईं बाबा की लगभग 25-30 तस्वीरें हैं। मेरी दैनिक दिनचर्या है कि मैं हमेशा बाबा के समक्ष धूप या अगरबत्ती जलाता हूँ और उसके साथ माला और फूलों को अर्पित करता हूँ, और दोपहर 12 बजे और शाम 6:15 बजे आरती करता हूँ। लगभग 70 से 100 ग्राहक रोजाना सुबह 9 बजे से रात तक मेरी दुकान में आते हैं। बहुत से लोग केवल साईं बाबा को प्रणाम करने के लिए आते हैं। एक भक्त कभी कभी साईं बाबा के लिए नारियल देने और दूसरा भक्त दोपहर की आरती से पहले कुछ प्रसाद अर्पित करने के लिए रोज आता है। कुछ दिन पहले एक महिला मेरी दुकान पर घड़ी को ठीक करने के लिए आई थी। मैं साईं बाबा के चित्र को धूप बत्ती फेरने के बाद फूलों की माला चढ़ा रहा था। वह बहुत समय तक वहां चुपचाप खड़ी थी। साईं बाबा की पूजा करने के बाद मैंने घड़ी ली और उस महिला को अगले दिन आने के लिए कहा। मैंने घड़ी की मरम्मत कर दी और अगले दिन वह महिला अपनी घड़ी लेने के लिए दुकान पर आई। उन्होंने घड़ी लेने के बाद मुझे पैसे दिए। अचानक ही उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि जो फूल और माला आप साईं बाबा को चढ़ाते हैं, इसके लिए एक दिन में आपका कितना खर्च होता है। उनके ऐसा अचानक से पूछने पर मैंने उत्तर दिया कि मुझे ये लगभग 90 रुपये प्रतिदिन पड़ता है, पर हम साईं बाबा को वही वापस दे रहे हैं जो उन्होंने हमें दिया है, इसलिए हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। मेरी बातें सुनकर उस महिला ने मुझे तुरंत ही 90 रुपये दे दिए और मुझसे अनुरोध किया कि उस दिन की माला और फूल उनकी तरफ से चढ़ाए जाएं। जब मैंने उन्हें उनकी इस भेंट का कारण पूछने की इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने मुझे धीमी आवाज में जवाब दिया कि मैं खुद धर्म से ईसाई हूं। आज तक मैंने अपने चर्च को छोड़कर किसी अन्य मंदिर में जाने का मौका नहीं मिला और न ही कभी उस तरह की परिस्थिति आई, पर कल जब मैं अपनी घड़ी ठीक करने के लिए आपकी दुकान में आई तो आप अपनी पूजा में व्यस्त थे। मैं बहुत ही मुश्किल में थी और अपने निजी मामलों में काफी उलझी हुई थी। मैंने अपनी परेशानी साईं बाबा के सामने रखी और जब मैं आपके पास आई हूं तो मेरी सभी परेशानियां साईं बाबा की कृपा से हल हो गई है, इसलिए मैं उन्हें इन फूलों की भेंट देकर उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूं। मुझे आशा है कि आप निश्चित रूप से मेरी इच्छा को पूरी करेंगे। उस महिला के शब्दों को सुनने से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैं सभी जातियों के भगवान हमारे प्यारे साईनाथ महाराज को तहे दिल से नमन करता हूँ। ओम श्री साईराम। Please visit our blog video.saiyognetwork.com. For experiences, please visit shirdisaibabaexperiences.org. For stories, please visit shirdisaibabastories.org. For bhajans, please visit shirdisaibabhajans.com. For our Hindi blog, please visit hindiblog.saiyognetwork.com. For submitting your experiences or prayers,
please visit summit.sanyognetwork.com. For more details, please visit our website sanyognetwork.com. Please check, we have shared all links in comment sections here as well.